हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा YouTube चैनल बाइकर भारती दी फ्लाइंग क्वीन में स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो है एक हफ्ते का मेरा दूसरा सोलो एडवेंचर राइड टू उत्तराखंड। आज का इस वीडियो में आप देख सकते हैं महाकुंभ मेल 2021, श्री माता मनसा देवी मंदिर, मथुरा वालों की प्राचीन दुकान और हरिद्वार। हिंदू धर्म में महाकुंभ मेल को एक बड़ा सा त्यौहार की तरह माना जाता है। पूरा विश्व में एक बड़ा सा धर्म का मेले का नाम से भी जाना जाता है। इस मेले को चार पवित्र नदियों का किनारे पे और चार पवित्र जगहों पे 12 साल में एक बार मनाया जाता है। पहला जगह है अलाहाबाद, ये आता है उत्तर प्रदेश स्टेट में और यहाँ तीन नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। और दूसरा जगह है हरिद्वार, ये आता है उत्तराखंड स्टेट में और यहाँ गंगा नदी बहती है। और तीसरा जगह आता है नासिक और ये आता है महाराष्ट्र स्टेट में और यहाँ गोदावरी नदी बहती है। फोर्थ जगह आता है उज्जैन, ये आता है मध्य प्रदेश स्टेट में और यहाँ शिप्रा नदी बहती है। पिछले साल 2021 में हरिद्वार उत्तराखंड स्टेट में महाकुंभ मेल मनाया गया था। गर्मी का मौसम में मेरा कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ऑन अप्रैल 13, 2021 में मेरा पहला दिन का राइड स्टार्ट हुआ हरिद्वार के लिए। हाँ, और मैं निकली थी कुंभ मेल में भाग लेने। मैंने कुंभ मेल के बारे में और नागा साधु लोगों के बारे में मैंने बुक्स में पढ़ी थी और टीवी में भी देखी थी। उस टाइम पे इंडिया में कोविड-19 का सेकेंड वेव स्टार्ट हुआ था और केसेस भी बहुत बढ़ रहे थे। इस वजह से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे मना कर रहे थे कुंभ मेल में नहीं जाने के लिए, मगर मैंने डिसाइड कर दिया था मुझे मेला में जाना ही था। ऑन द वे में मेरा दिमाग में ये ख्याल आया, ज़्यादा भीड़ के वजह से हरिद्वार में रूम नहीं मिला तो मुझे क्या करना है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया मेरा स्टे को ऋषिकेश में। हरिद्वार जाने के बाद कुंभ मेल के वजह से वहाँ बहुत सारा रोड डिविएशंस था और हरिद्वार से ऋषिकेश जाने वाला रास्ता भी बंद हुआ था। बेटी आस अपने आस अपने परिवार के नाम से बेटी मैं बहुत डर गई थी जब दो नागा साधु लोग मुझे जबरदस्ती रोका और हाई पिच में मुझे पैसा मांगने लगे। उन लोगों का वो बर्ताव मुझे ठीक नहीं लगा। निकालो, दुआ कर रहे हैं आज बाबा। नहीं, निकालना मुश्किल होता है भैया। थैंक यू सो मच। मांग लो क्या इच्छा चाहते बेटे। थैंक यू। नमस्ते जी। कभी बाबा मिल गए दो रोटी खिलाना। खिला देंगे 100 रुपए की बेटे। 100 रुपए लगा के रख ले बेटे आज इसको। आज नहीं, बंद ना कर अभी। इधर कर, दोनों हाथ करो, दुआ करवा, बंद कर इसको, दोनों हाथ करो भैया, थोड़ा बंद कर, हाथ करो सीधा हाथ। नाराज हो गई है वो इंसिडेंट मुझे थोड़ा बुरा लगा। रोड्स में मैं बहुत ही कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि वहाँ प्रॉपर डायरेक्शन बोर्ड्स भी नहीं थे। वहाँ का पुलिस ऑफिशियल्स भी नहीं जानते थे ऋषिकेश के लिए शॉर्टकट रूट्स। यहाँ तक कि हरिद्वार के लोग भी नहीं जानते थे ऋषिकेश का कौन सा रूट खुला हुआ है, कौन सा रूट नहीं खुला हुआ है।
फाइनली एक बंदे ने मुझे एक सही शॉर्टकट रूट दिखाया ऋषिकेश के लिए। उसके बाद मैं 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके मैं ऋषिकेश रीच कर ली 1 बजे। मैं जोस्टल हॉस्टल में 3 शेयरिंग रूम में मैं रुकी थी। मैंने ये सुना बहुत सारे तीर्थयात्रियों ने कोविड के वजह से मेला अटेंड करने का प्लान छोड़ दिया था। उस रात भी कुछ लोगों ने मुझे मना किया कुंभ मेल में भाग नहीं होने के लिए। उस दिन रात को मैं एक कन्फ्यूजन को लेके मुझे सोना पड़ा, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे कुंभ मेल में जाना है या नहीं जाना है। मैं सुबह 4 बजे में उठी, तब भी मेरा माइंड में वो कन्फ्यूजन था, आज मुझे मेला में जाना है या नहीं जाना है। उसके बाद मैं कुछ मिनट्स तक मैं सोची, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया मुझे कुंभ मेल जाना ही है। मैं हरिद्वार बाइक में नहीं गई थी, मैं लोकल ऑटो में हरिद्वार गई थी। आधा घंटे में 20 किलोमीटर कवर करके मैं हरिद्वार पहुंच गई। जैसे ही मैं हरिद्वार पहुंची, मैंने वहां बहुत ही कम भीड़ देखा, और रास्ते पे मैंने नागा साधु लोगों का एक भीड़ चलते हुए मैंने देखा। गंगा नदी में सुबह 8 बजे मैंने स्पेशल बैसाखी शाही स्नान किया, उसके बाद मैंने पूजा भी किया। मैंने सुना हर की पौड़ी घाट में पब्लिक को स्नान करने के लिए मना किया गया था, क्योंकि 13 अखाड़ों से आया हुआ साधु संत लोग का स्नान चलता है सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक। मैंने वहां बुज़ुर्ग तीर्थ यात्री लोग मेले में भाग होते हुए मैंने देखा। हरिद्वार में जहाँ मैं जा रही थी, सभी जगह पे साधु संत लोग ही मुझे दिख रहे थे, और वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने कुछ नागा साधु लोगों के साथ बात किया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों का स्पिरिचुअल नॉलेज देख के। मैं बहुत ही इम्प्रेस हो गई उन लोगों का हेयर स्टाइल से, और पूरा शरीर विभूति से भरा हुआ। मैंने सुना साधु और संत लोग आते हैं मेले के पहला दिन में, और उसी पंडाल में रुके रहते हैं मेले का खत्म होने तक। उसके बाद मैं गई श्री माता मानसा देवी मंदिर के लिए, वो है हरिद्वार के पास बिल्वा पर्वत में। वहाँ जाने के लिए 2 तरीके हैं, एक आप चल के जा सकते हो, 6 किलोमीटर्स होता है आना जाना, और दूसरा है रोप वे सर्विस। मैं 6 किलोमीटर डिस्टेंस पैदल गई थी। मैंने माता मानसा देवी का दर्शन किया। आंधा वे में मैंने एक मीठा और खट्टे का एक फल खाया। लोकली प्रिपेयर किया हुआ बिस्किट्स मैंने वहाँ टेस्ट किया। मैंने चाट्स और स्पेशल स्वीट्स को मैंने टेस्ट किया मथुरा वालों की प्राचीन दुकान में। ये एक फेमस और ओल्डेस्ट चाट दुकान है अर्की पौरी के घाट के पास। शाम को 6 बजे अर्की पौरी घाट में मैंने श्री विष्णु जी का, शिव जी का और गंगा माता का मैंने दर्शन किया। मैंने अर्की पौड़ी घाट में तीर्थयात्रियों का भीड़ स्नान करते हुए देखा, और वो लोग पूजे करते हुए भी मैंने देखा। उस टाइम पे मेरे मन में बहुत खुशी था, और बहुत प्राउड फीलिंग भी था, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद मैंने फाइनली कुंभ मेल को मैंने एंजॉय किया, और मैंने कुंभ मेल में भाग लेने का मेरा सपना भी मैंने पूरा कर दिया। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि जिस दिन मैंने शाही स्नान लिया था, उसी दिन को लास्ट दिन बना दिया कुंभ मेल 2021 का।
कोविड केसेस ज़्यादा होने के वजह से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लास्ट दो स्नान था 21 और 27 अप्रैल को उसको स्टॉप कर दिया और 2021 महाकुंभ मेल को समाप्त कर दिया। थैंक यू सो मच उर्मिशा, तुम्हारे वजह से ही मैं इस बार 2021 महाकुंभ मेल में भाग ले पाई। मैं सभी व्यूवर्स को विनती करती हूँ, आप सभी लोग आपका लाइफ टाइम में एक बार कुंभ मेल का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना है। आप लोगों का मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आप लोग मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस आर्टिकल पढ़ सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगले कुछ ही दिनों में आप उत्तराखंड का पार्ट 2 और पार्ट 3 आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।